हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। सबको मेरी ओर से जैमसी की, जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के नाम में ब्लेस हैं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज के दिन की शुरुआत करें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रार्थना से करेंगे और प्रार्थना से पहले हम परमेश्वर की महिमा करेंगे भजन के साथ। आइए हम सभी भाई बहन मिलकर प्रभु की आराधना करें पूरी खुशी के साथ, और अपने मनों को परमेश्वर के साथ लगाकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। क्योंकि जब हम आराधना करते हैं तो जो स्वर्ग में बैठे हैं परमेश्वर, वो बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। मन साफ होवे नाले तन साफ होवे, मन साफ होवे नाले तन साफ होवे, यीशु तेरा लहू मेरे पापानु धोवे, यीशु तेरा लहू सारे पापानु धोवे, पापानु धोवे, पापानु धोवे, पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे, पूरी हो मेरे दिल दी उमंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। ओ मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए। जेड़ा दिन तेरे चरना च लंग जावे, ए सौ दिना तो चंगाए, ए सौ दिना तो चंगाए, ए सौ दिना तो चंगाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपकी महिमा हो।
आप स्तुति के योग्य परमेश्वर है, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो। सच में जो दिन हम आप में बिताते हैं मेरे परमेश्वर, वो एक दिन 100 दिन के बराबर होता है मेरे परमेश्वर। सच में ये जो भजन है परमेश्वर, सच में ऐसा ही होता है मेरे परमेश्वर, जब हम आपके साथ समय बिताते हैं, आपकी हजूरी में जाते हैं, तो परमेश्वर सच में वो एक दिन आपकी हजूरी में बिताया हुआ 100 दिन के बराबर होता है। सच में मेरे सामर्थी परमेश्वर, आपकी हजूरी सच्ची है, आप महान हो मेरे परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हो, आप महान हो परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो, आप सच्चे ते सामर्थी परमेश्वर हो। आपके जैसा परमेश्वर इस पूरी दुनिया में, पूरी कायनात में नहीं है मेरे परमेश्वर। आज के दिन के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, जो आज भी आपने हमें नया दिन दिया है, नई सांसें दी है प्रभु, हमें संभाल कर रखा है, हमें संभाल कर रखा, हमारे परिवारों को संभाल कर रखा है। आपने जो हमसे प्रेम किया है, उस प्रेम के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर, जो आपने अपना हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र आपने इस धरती पर भेजा स्वर्ग से हमारे लिए, हमारे पापों अपराधों के कारण। हम पाप में थे, हम पाप में फंसे हुए थे परमेश्वर, इसलिए परमेश्वर आपने अपना इकलौता पुत्र स्वर्ग से धरती पर भेजा हमारे लिए, ताकि हम पापों अपराधों से शुद्ध हो जाएं। मेरे परमेश्वर, जो आपने हमसे ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए बलिदान कर दिया, परमेश्वर ऐसा प्रेम और दूजा कोई नहीं कर सकता है जैसा प्रेम आप ने हमारे साथ किया है मेरे परमेश्वर। सच में आप कितने ही अच्छे परमेश्वर हो, कितने ही प्रेम करने वाले परमेश्वर हो, आपके जैसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता है मेरे प्रभु। सच में आप महान हो, जैसा प्रेम आपने हमसे किया है प्रभु, हम भी आपसे वैसा ही प्रेम करने वाले बन चुके हैं मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, मेरे सामर्थी परमेश्वर, मेरे करुणामयी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। रात भर आपने हमें संभाल कर रखा है, हमें नींद से जगाया है मेरे प्यारे परमेश्वर, हमें सुंदर सुबह दी है मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आप प्रतिदिन हमें संभालते हो, हमारे परिवारों को संभालते हो, हमारे आने जाने में हमारी सहायता कर ते हो मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हम गिरते हैं, आप हमें फिर उठाते हो मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। चाहे हम कई बार किसी प्रॉब्लम की वजह से रोते हैं, पर परमेश्वर आप हमें चुप कराते हो, आप हमें संभालते हो मेरे परमेश्वर। आप ही हो परमेश्वर जो हमें माँ और बाप से भी ज़्यादा प्रेम करते हो परमेश्वर। माँ बाप भी अपने बच्चे से उतना प्रेम नहीं करता है जितना प्रेम आप हमसे करते हो मेरे परमेश्वर। बाइबल में लिखा है कि एक माँ अपने दूध पीते हुए बच्चे को छोड़ सकती है, पर आप हमें कभी नहीं छोड़ते, आप हमें कभी नहीं त्यागते हो मेरे परमेश्वर। आप महान हो, महान हो, हालेलुया, हालेलुया, आपके जैसा प्रेम कोई नहीं कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। जितने भी इस प्रार्थना में शामिल है, इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, मैं सबके लिए मांगती हूँ, जिनके जीवन में परेशानी चल रही है, बोझ चल रहा है, हर एक के जीवन से परमेश्वर आप हर तरह की परेशानी को दूर कर चुके हो, हर एक तरह के बोझ से उन्हें आज़ाद कर चुके हो मेरे सामर्थी परमेश्वर। आप महान हो,
जो हम प्रार्थना कर रहे हैं आपसे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करने की हमें और भी हमें शक्ति और बल दे चुके हो परमेश्वर। धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रभु, जो मैं प्रार्थना कर रही हूँ आप मेरी प्रार्थना को सुन रहे हो मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। मैं मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, अगर उनमें से कोई प्रार्थना में कमज़ोर है, जिनसे प्रार्थना नहीं होती है परमेश्वर, मैं उन आपके बच्चों के लिए मांगती हूँ, उन्हें आप प्रार्थना से, प्रार्थना में बहुत बढ़ा चुके हो। जो नेगेटिव पावर, जो शैतान उन्हें प्रार्थना करने से रोकता है, मैं उस शैतान की हरेक चुक्ति को उनके जीवन से डिस्कनेक्ट करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जिनसे प्रार्थना नहीं होती है, क्योंकि प्रार्थना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। मैं विश्वास करती हूँ और मांगती हूँ प्रभु आपसे, जिनसे प्रार्थना नहीं होती है, जो प्रार्थना में कमज़ोर हैं, वीक हैं, वो आज से प्रार्थना में बढ़ जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके जीवन से हरेक नेगेटिव पावर के बुरे प्रभाव को मैं उनके जीवनों से डिस्कनेक्ट करती हूँ, दूर करती हूँ। दफा हो जाओ उनके जीवनों को छोड़कर, और परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा उनको टच करे मेरे सामर्थी परमेश्वर, और वो प्रार्थना में बढ़ जाएं। हर एक बोझ उनके जीवन से जाए, हर एक परेशानी उनके जीवन से जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर, आप करुणामयी परमेश्वर हो, आप न्यायी परमेश्वर हो, आप भले परमेश्वर हो। आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है, आप नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर देते हो प्रभु, क्योंकि आप उन बड़े बड़े कामों को करने वाले परमेश्वर हो, जो हमने देखे हैं कि आप करते हो परमेश्वर। आपके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है प्रभु, कठिन नहीं है। आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी हटा देते हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और मैं मांगती हूँ मेरे परमेश्वर, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है, जिन जो विश्वास में कमज़ोर है मेरे परमेश्वर, जिनका विश्वास नहीं बनता है, हालातों में उनका विश्वास नहीं बनता है, उनके लिए मैं मांगती हूँ प्रभु आप अपने दास अब्राहम के जैसा विश्वास सबको दे चुके हो मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर, जो उसने निराशा में भी आशा रखकर आप पर विश्वास किया मेरे परमेश्वर, और आपने परमेश्वर इतनी बड़ी उम्र में उसे बेटे के साथ ब्लेस किया, जो उसने आप पर ईमान रखा, विश्वास रखा, वैसा विश्वास हम भी रख चुके हैं परमेश्वर आपके ऊपर। हमारा विश्वास आप पक्का कर चुके हो मेरे परमेश्वर। जितने भी विश्वास में कमज़ोर हैं प्रभु, उनका विश्वास पक्का हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। जिनके मनों में नेगेटिविटी है परमेश्वर, जो गलत अंगीकार करते हैं परमेश्वर, मैं उनके लिए मांगती हूँ परमेश्वर, हर एक नेगेटिविटी की बुरी आत्मा उनको छोड़कर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और पॉजिटिविटी की आत्मा उनके अंदर आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक गलत अंगीकार करने वाला आज से पॉजिटिव अंगीकार करेगा, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर, वो ही उसके बढ़ने का कारण है, जो वो बढ़ नहीं पा रहा है परमेश्वर में, जो वो अपने जीवन में गलत अंगीकार करता है, मेरा विश्वास है जो गलत अंगीकार करते थे आज से वो पॉजिटिव अंगीकार करेंगे और अपने जीवन में बहुत ब्लेस हो जाएंगे, आज से ही वो बहुत ब्लेस हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। हालेलुया,
हालेलुया मेरे परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर, आप महान हो महान हो, धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु। आपने लिखा बाइबल में जो लिखा है, दाऊद कहता है मैं यहोवा के पास गया और यहोवा ने मेरी सुन ली। मैं विश्वास करती हूँ मैं और आपके बच्चे जो आपसे मांग रहे हैं, जितने भी आपसे मांग रहे हैं परमेश्वर, आप हमारी प्रार्थना को भी सुन चुके हो और उत्तर दे चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारी प्रार्थनाओं के भी उत्तर आ चुके हैं मेरे परमेश्वर, आप सुन रहे हो, आप सुन रहे हो मेरे परमेश्वर, आप सुन रहे हो हमारी प्रार्थनाओं को मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आप भले परमेश्वर हो, आप भले परमेश्वर हो, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपने बहुत से उपकार किए हैं हमारे जीवन में, उन सभी उपकारों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। जितना भी धन्यवाद करूँ उतना ही कम है मेरे परमेश्वर, आप महान हो सच में मेरे परमेश्वर। आज के सारे दिन के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। आप मुझे, मेरे परिवार को, अपनी क्लीसिया को, सबको संभाल कर रख चुके हो मेरे परमेश्वर। हर एक के आने जाने में आप सहायता कर चुके हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। हर एक के घर में आपके स्वर्गीय दूत है, मेरा विश्वास है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है आपके लोगों का, कोई हालात उनके लिए नहीं है, कोई हालात उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि आप उनके साथ हो मेरे परमेश्वर। जिनके साथ आप होते हो उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमारे साथ हो मेरे परमेश्वर, हमारे परिवारों के साथ हो, अपनी क्लीसिया के साथ हो परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया रिखो ऋषि पापा 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 खाला रा 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 रा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, मैंने जो भी आपसे आज की प्रार्थना में मांगा है मेरे परमेश्वर, निश्चय मेरा विश्वास है आपने उत्तर दे दिया है, और मेरी प्रार्थना को आपने प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में सुन लिया है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सब कुछ मांगती हूँ, आज के दिन को आपके हाथों में सौंपती हूँ, और हर एक बात के लिए मैं मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र पवित्र नाम में। आमेन आमेन।